जैसे उस रात परमेश्वर ने उसके पति के लिए ऐसे इंग्लिश में बात की, उसके मुंह से सारा वो किडनियों का रोग क्या हो गया, खत्म। अगर हम नौ पढ़े तो यहां पे अलग अलग देश की जो भाषा है उसके बारे लिखा है। इसलिए जो हम अन्य भाषा बोलते हैं वो बिना किसी शब्द के नहीं होती। बोलो क्या है? जो हम अन्य भाषा गैर भाषा बोलते हैं ना, वो बिना किसी भी शब्द के अर्थ के बगैर नहीं होती। उसका मतलब होता है, देखो वो सब लोग जो इस त्योहार में इकट्ठे थे वो कहने लगे चेलों को ये तो गलीली है, जिसे हम पंजाबी हैं, हाँ समझे, तो हम किसी दूसरे देश की जहाँ हमारे देश की जो मराठी भाषा है हम तो नहीं बोलते, जब तेलुगु अलग अलग भाषा है ना, इंडिया में बहुत सी भाषा है, तो हम बोले जहाँ किसी दूसरे, हाँ समझे, अरब कंट्री जहाँ कोई और जितनी भी पृथ्वी पर देश हैं, उन देश की हम ऐसे क्या करें भाषा बोलें। उसने भाषा से ऐसे गैर भाषा से तो वो तो सुनेंगे इन्हें कहां से आई, तो लिखा वो हैरान हुए कि ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता, बोलो क्या था, ये बहुत बड़ा चिंता। वो सोचने लगे ये कैसे हमारी भाषा बोल रहे, बोलो क्या है, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे। पिछले दिनों में एक टेस्टामनी दी थी ना, एक औरत की जो प्रभु विश्वास करती थी, अनपढ़ थी, मगर यही उसके पास वरदान था। उसका पति वो पढ़ा लिखा था, क्योंकि पिछले जमाने में जैसे आज तो लोग पूछते हैं ना, पहले देखते हैं, पता नहीं कितनों को देखते हैं, पहले ये ऐसा हिसाब नहीं था। पहले तो बस घर वालों ने जो तय कर दिया बस शादी होगी, पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो उसका जो हस्बैंड, उस औरत का जो पति था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, सरकारी जॉब करता था और इंग्लिश को अच्छी तरह से वो जानता था। तो वो बहुत बीमार हो गया और उसकी किडनियां, दोनों किडनियां खराब होगी। क्या होगी उसकी दोनों किडनियां, किडनी समझे गुर्दे, दोनों किडनी उसकी खराब होगी। और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था और उसकी बहुत चाह थी, सुनो ध्यान से सुनो, उसकी दोनों किडनी खराब होगी और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया। और उस औरत की चाहती कि नहीं, मेरे पति को परमेश्वर कुछ भी होने, और वो ऐसे उस बहुत चाह से ऐसे प्रार्थना कर रही थी, समझते हैं। और उस रात परमेश्वर ने उसे यूज किया, इस्तेमाल किया कि वो अनपढ़ औरत से परमेश्वर उसके मुंह से उसके पति से इंग्लिश में बातें करने लगा। क्या करने लगा? इंग्लिश में, इंग्लिश में, क्योंकि उसका पति इंग्लिश अच्छे से जानता था। और परमेश्वर से बातें करने लगा इंग्लिश में, एक अनपढ़ औरत से। अब पति बीमार तो था, पर वो बेड पे लेटा हुआ था, पर जो उसकी पत्नी बोल रही थी उसे समझ आ रहा था, क्या आ रहा था। और उसे ये तो पता था कि मेरी पति अनपढ़ है मेरी पत्नी, पर उसे पता चला कि सच में परमेश्वर है। विश्वास तो वो करता था, पर ये उनके लिए बड़ा चिंता। जैसे उस रात परमेश्वर ने उसके पति के लिए ऐसे इंग्लिश में बात की, उसके मुंह से सारा वो किडनियों का रोग क्या हो गया, खत्म। वो बंदा पता नहीं कितने साल फिर जीवित रहा, समझ आ रही है, कितने साल वो जीवित रहा। अब इसका बड़ा लाभ है, छोटा नहीं है ना, कि छोटा लाभ है। इसलिए मैंने सस्ते भी बताया कि अगर आप फर्स्ट कुरंथियों 12 पढ़ो तो वो वहां पे लिखा है कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का क्या दिया गया, दान। सबको लाभ पहुंचाने के लिए क्या दिया गया, आत्मा का ये दान दिया गया, सबको, सबको लाभ पहुंचाने के। और इस चीज से सबके सब लोग बहुत बढ़ सकते हैं आगे, बड़े से बड़े, और जो मुश्किलें हो नहीं सकते, मैंने कहा इस गिफ्ट से, इस दान से आप अपने जीवन में पूरे होते हुए देखोगे। आमेन, आमेन,
आमेन। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो और अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताजो हरेक आने वाली वीडियो में परमेश्वर के की हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। आमेन।